यो व्हाट्स अप गाइस, नमस्कार, श्रीकाल की हाल चाल। तो गाइस आ चुके हैं कोई न्यू वीडियो के साथ वापस, और आज की वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको एक धमाकेदार चीज देखने दिखाने वाला हूँ। गाइस आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं आपको अपने ट्रैक्टर से ट्रॉली को मतलब खोल के या हटा के दिखाने वाला हूँ। गाइस यहाँ पे मैं किसी तरीके से रिमूव नहीं करूंगा, गाइस यहाँ पे मैं ट्रॉली को ट्रैक्टर से अटैच है उसको यहाँ पे डिसकनेक्ट या खोल के हटा के दिखाने वाला हूँ। साथ ही गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि आने वाले न्यू अपडेट के अंदर क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से नए व्हीकल्स आने वाले हैं। साथ ही गाइस अपने न्यू स्वराज की निशू भाई के ट्रैक्टर की मॉडिफिकेशन स्वराज वाली वो कब तक आएगी, साथ ही अपने निशू भाई का जो फोटो वाला स्पीकर डीजे वो कब तक गेम के अंदर आने वाला है तो उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो यार गाइस वीडियो को एंड तक देखते रहना, वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना और वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, नया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी बिना टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अपडेट के अंदर क्या क्या आएगा, उसके बाद गाइस मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ट्रॉली को मतलब ट्रैक्टर से रिमूव कैसे कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर, काफ़ी तगड़ा यहाँ पे मैं हमको एक ग्लिच मिला है, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा ग्लिच है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जितने भी व्हीकल्स अभी तक हमने रेडी किए हैं वो रशियन टैंक डीजे हो गया या अपना मतलब अपनी कार्स हो गई, जो अपनी कार्स जो रिप्लेस होने वाली कार्स है वो हो गई। साथ ही गाइस अपने जो दो तीन ट्रैक्टर बन के रेडी हुए हैं वो ट्रैक्टर हो गए, ये सारे जो ट्रैक्टर कार्स और ये बाकी सारी जो भी चीज़ें बची है। साथ ही गाइस इसके अंदर काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन भी आने वाली इस वाले अपडेट के अंदर, तो जितने भी कार्स ट्रैक्टर और जो भी व्हीकल्स बाकी है वो सभी इस वाले अपडेट के अंदर आएंगे। और गाइस व्हीकल्स मॉडिफिकेशन भी इसी वाले अपडेट के अंदर आएगी, लेकिन इसके लिए गाइस आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इसमें समय नहीं दिया तो आपको मॉडिफिकेशन में कुछ नहीं मिलेगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप मॉडिफिकेशन में अपडेट का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए गाइस इस अपडेट के अंदर थोड़ा सा समय दे देना, तगड़ी तगड़ी चीज़ें आने वाली है इसके अंदर। आपको कार से लेकर ट्रैक्टर से लेकर बस से लेकर डंपर से लेकर जितने भी व्हीकल्स हैं वो सभी के अंदर आपको मॉडिफिकेशंस देखने को मिलने वाली है। और हमने पिछली काफ़ी सारी वीडियो के अंदर पहले बोला था कि भाई हमें कॉमेंट में ये बताओ कि आपको कौन कौन सी मॉडिफिकेशन चाहिए, काफ़ी बंदों ने कॉमेंट में बताई भी थी। तो गाइस वो सारी मॉडिफिकेशन आने वाली है इस वाले अपडेट के अंदर, तो काफ़ी तगड़ा अपडेट होने वाला है। और अपडेट के अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक दो दिन या दो चार दिन के अंदर यहाँ पे अपडेट के ऊपर जो काम स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे हमको न्यू अपडेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो यार गाइस अपडेट का कुछ इस प्रकार का सीन है। और बाकी गाइस बात करें निशू भाई का अपना जो ट्रैक्टर की मॉडिफिकेशन है निशू भाई का स्वराज ट्रैक्टर की, तो गाइस वो भी इसी वाले अपडेट के अंदर आएगी, क्योंकि गाइस इस वाले अपडेट के अंदर थोड़ा सा टाइम नहीं मिला और गाइस इसीलिए इस वाले अपडेट के अंदर नहीं आ पाई, वरना इसी वाले अपडेट के अंदर निशू भाई का जो ट्रैक्टर की मॉडिफिकेशन है वो इसी वाले के अंदर आती और आपको निशू भाई का जो स्वराज ट्रैक्टर है वो देखने को मिल जाता। साथ ही गाइस जो उनका इस फोटो वाला स्पीकर सेटअप है वो भी आपको इसी वाले अपडेट के अंदर देखने को मिल जाता, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं ना यार, टाइम नहीं मिलता और आपको भी अपडेट चाहिए था, इसीलिए गाइस यहाँ पे टाइम को देखते हुए टाइम की कमी को देखते हुए गाइस यहाँ पे उसको ऐड नहीं किया गया। और जो नेक्स्ट अपडेट है उसके अंदर गाइस उस चीज़ को ऐड करा जाएगा, उसकी कोई टेंशन मतलब गाइस ऐड तो हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यार गाइस अपडेट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि यार ये वाला अपडेट काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। तो गाइस यार अब ये तो हो गई अपडेट की बात और अपने निशू भाई के स्वराज ट्रैक्टर की बात, आप चलते हैं गाइस इसको मैदान में लेके चलते हैं, और उसके बाद गाइस मैं आपको इसको ट्रॉली को कैसे इसके ट्रैक्टर से खोलना है वो मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ। काफ़ी तगड़ा सिस्टम है यार गाइस, अभी तक गेम के अंदर ऐड नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक बग मिला है जिससे ये गेम के अंदर हम ये ग्लिच कर सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजा कर सकते हैं गेम के अंदर। और ये गाइस बिना अपडेट किए भी आपके भी हो जाएगा, आपको भी मतलब ये ट्रिक करके आप भी सीधा गेम के अंदर ये ग्लिच कर सकते हो, इसके लिए कोई अपडेट की ज़रूरत नहीं है गाइस, जाना सीधा और गेम के अंदर ये ग्लिच आप कर सकते हो। तो गाइस यार सबसे पहले तो चलते हैं उसको अंदर मैदान के अंदर लेके चलते हैं और उसके अंदर देखते हैं। हम दो तरीके से ट्राई करेंगे, एक तो इसको खाली ट्रॉली से ट्राई करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आप भरी हुई ट्रॉली को मतलब पत्थर से भरी हुई ट्रॉली को भी हम खाली कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी हम देखने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सबसे पहले हमको यहीं पर रोक लेते हैं इसको, और उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले गाइस आपको ट्रॉली तो ले ही लेनी है और यहाँ पर देख सकते हो मैंने ट्रॉली तो ले ही ली है। अब क्या करना है, एक बार आपको क्या करना, मॉडिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन पे जाना है, ट्रॉली को ऑफ करके वापस ऑन कर लेना है। ऑन कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो अपना AI व्हीकल रहेगा उसको ऑन करना रहेगा, ऑन करने के बाद आपको उस पर चले जाना है जो अपना AI व्हीकल रहेगा, दूसरे वाले ट्रैक्टर या किसी भी व्हीकल्स पे चले जाना है, ट्रैक्टर पे ही जाना गाइस, दूसरे व्हीकल पे मत जाना। ट्रैक्टर को लेने के बाद वापस आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना है, मॉडिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन में जाना है और जो ट्रॉली रहेगी उसको यहाँ पे अनटिक कर देना है, यहाँ पे टिक था मैंने अनटिक कर दिया है। उसके बाद आपको ड्राइव पे क्लिक कर देना है, ड्राइव पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से आने जाना है अपने ट्रैक्टर पे, ट्रैक्टर पे आने के बाद आपको फिर से जाना
जाना कस्टमाइजेशन पे, ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन में, और यहाँ पे जो अपने ट्रॉली पे क्लिक कर देना है। ट्रॉली पे क्लिक करने के बाद देखो गाइस, ये देखो गाइस, यहाँ पे मैंने ट्रॉली को मतलब यहाँ पे अर्जुन ट्रैक्टर से डिसकनेक्ट या खोल दिया। आप खुद देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मैं दूर चला जाता हूँ लेकिन तब भी कुछ नहीं होने वाला है, आप देख सकते हो गाइस। अब क्या करेंगे गाइस, इसके अंदर हम पत्थर भरने की ट्राई करेंगे। पत्थर भरने की आपको पता है जबरदस्त ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, तो गाइस यार वो ट्रिक से हम इसके अंदर पत्थर भरने की कोशिश करते हैं। क्या ट्रॉली गिरती है या ऊपर ही खड़ी रहेगी गाइस, वो चीज़ ट्राई करनी है मेरे को। क्या ट्रॉली नीचे तो नहीं गिर जाएगी, ये चीज़ भी हम ट्राई करेंगे। साथ ही गाइस इसके एक बार मतलब यहाँ पर टक्कर लगा के भी देखेंगे क्या इससे मतलब यहाँ पर ट्रॉली जो गिरेगी या नहीं गिरेगी। गाइस मेरे हिसाब से तो नहीं गिरेगी क्योंकि ये बग है, बग के अंदर कुछ भी और नहीं होता है। तो गाइस इस पे एम पे किया मैंने क्लिक और गाइस पत्थर वगैरह से भाई साहब पूरी ट्रॉली लोड हो चुकी है। अब देख सकते हो गाइस यहाँ पर और जो अपनी ट्रॉली वो नहीं गिरी है, लेकिन गाइस मेरे को ये समझ नहीं आ रहा अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। देख सकते हो गाइस यार अभी जो अपनी ट्रॉली है वो आ तो चुकी है, लेकिन इसको कनेक्ट कैसे करेंगे वो समझ नहीं आ रहा बस अब मेरे को। तो एक बार पीछे लेते हैं और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं गाइस, क्या पता कनेक्ट हो जाए, तो एक बार ट्राई करते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से तो नहीं होगी कनेक्ट, और क्या पता दो ट्रॉली आ जाए, तो ये भी हो सकता है ना गाइस। तो गाइस मैं इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करता हूँ। अबे भाई दो ट्रॉली आ गई यार, नहीं हुआ कनेक्ट। गाइस गलती मैंने ही कर दी थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे को है ना अपना मतलब यहाँ पे रुको, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एआई को ऑफ कर देता हूँ अभी, और इसको क्या करता हूँ पहले ब्रेक लेता हूँ। और गलती तो यहाँ पे गाइस मेरे से हुई है गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैंने ना उस वाले ट्रैक्टर की ट्रॉली को ऑफ करना चाहिए था ताकि गाइस हमें पता चल जाता क्या होता सीन, लेकिन गाइस मैंने इस वाली ट्रॉली को ऑफ कर दिया, इसलिए गाइस थोड़ा सा सीन चेंज हो गया। कोई बात नहीं, इस बार फिर से ट्राई करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जाओ और यहाँ पे इसको ट्रॉली को अनटिक करके टिक कर दो, अबे रुक जा, और उसके बाद अपने जो अपना वो रहेगा ट्रैक्टर उसको बुलाओ, उसको बुलाने के बाद उसमें जाओ, उसमें जाने के बाद गाइस यहाँ पे इसको अनटिक कर दो, अबे हो जा। हाँ अनटिक करने के बाद आपको फिर से आना है, फिर से आने के बाद इसके अंदर क्या करना है आपको मतलब यहाँ पे इसके अंदर कस्टमाइजेशन में जाना है। कस्टमाइजेशन के बाद इसको अनटिक कर देना, अनटिक करने के बाद आपको क्या करना है ट्रैक्टर को आगे ले लेना है और ये ग्लिच हो जाएगा। ग्लिच होने के बाद क्या करना है आपको जाना है बैक। सबसे पहले गाइस इस वाले से नहीं करेंगे बैक, उसी वाले ट्रैक्टर से लेके जाएंगे। रुको गाइस इसको पहले पोजीशन में लगा लेते क्योंकि वरना बाद में यहाँ पे पत्थर वगैरह आ जाएंगे, जिससे गाइस यहाँ पे मतलब हम ट्रॉली को यहाँ पे लगाने में दिक्कत हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। ओके तो गाइस यहाँ पे मैंने इसको यहीं पे लगा लिया है, यहीं पे लगाने के बाद इसको लेके चलता हूँ बैक, और बैक ले जाके देखते गाइस होता है या नहीं होता है। ग्लिच काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है यार गाइस, सच्ची में मेरे को काफ़ी ज़्यादा तगड़ा ग्लिच लगा भाई ये। तो सबसे पहले अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, और अब क्या करता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पे इस पेम पे जाता हूँ, मतलब अपने पत्थर वगैरह पे मंगाता हूँ, पत्थर वगैरह गायब, और वापस आ चुके हैं अपने पत्थर, और इसी के साथ अपनी ट्रॉली जो भर चुकी है और ट्रैक्टर को आगे फेंक दिया है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे अब मैं देखता हूँ इससे कनेक्ट होती है या नहीं होती, मेरे हिसाब से तो गायब हो जाएगी। हाँ ट्रॉली गायब हो जाएगी। तो यार गाइस ग्लिच अभी इसी प्रकार का है कि हम वापस डिसकनेक्ट करने के बाद कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन गाइस हो सकता है आने वाले न्यू अपडेट के अंदर इस बग को एक फीचर बना दिया जाए और ट्रॉली कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने का ऑप्शन आ जाए। बाकी यार ये ग्लिच आपको कैसा लगा एक बार मेरे को कॉमेंट में ज़रूर बताना, और आप भी अपने गेम के अंदर इस ग्लिच को ट्राई करना गाइस, इसके लिए कोई अपडेट की ज़रूरत नहीं है, जाओ और इस वाले ग्लिच को ट्राई करो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ग्लिच है। बाकी यार गाइस आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।